नमः शिवाय। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है फूड फॉर मूड्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू स्टफ्ड आलू टिक्का। इसमें मेन जो रोल है वो सत्तू का है। सत्तू आप मार्केट से ले सकते हैं या फिर जो हमारे चने मिलते हैं फूटे चने, उसको आप घर में पीस सकते हैं। वह भी इसी का फ्लेवर आता है, सेम फ्लेवर देता है। चलिए तो हम बनाते हैं सत्तू स्टफ्ड आलू टिक्का। ये इवनिंग स्नैक्स में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका और काफ़ी पसंद आता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखिए, मैंने सत्तू लिया है, इसे छानकर एक सार कर लिया है। ये लाल मिर्च का भरवा अचार, आपके पास यदि अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं, अमचूर भी डाल सकते हैं और आपको जो भी इमली का पानी भी डाल सकते हैं आप। मैं इसमें लाल मिर्च के अचार का मसाला डाल रही हूँ। अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा दबाकर आपको अच्छे से इसको गूंदना है जिससे हमारे प्याज का रस निकल जाए, जो इसे एक साथ थोड़ा सा सेमी सॉलिड या थोड़ा सा गीला हो जाए इसके लिए। और यदि ये गीला नहीं होता है तो आप इसमें पानी का छिड़काव देकर इसे थोड़ा गीला बना दें। देखिए, हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है और अब इसको हम आलू में स्टफ करेंगे। जो मैं आपकी कटिंग बताऊंगी इसके बारे में, कैसे आलू कट करके उसको स्टफ करना है। हम आलू कट कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है चार टूल्स, आपको दिखा रही हूँ। नाइफ है एंड ये राउंड कटर है, एप्पल सीड रिमूवर है, कोरर कटर बोलते हैं जिसको, और ये हमारी जिससे हम आलू छीलते हैं। हम इन चारों से जिससे आपको सुविधा हो, जो आपके घर में अवेलेबल हो, उससे हम कट कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक आलू ले रही हूँ मीडियम साइज़ के। मैंने सीड रिमूवर लिया है और देखिए, इसे कट करना आसान होता है। ये निकल गया हमारा और इसे हम निकाल लेंगे, इसे हम लेबल में बना लेंगे। लगभग एक इंच मोटा आलू कट कर लेंगे हम। इसे आप चाकू से भी कट कर सकते हैं, आप चाहें तो जो हमारा आलू छीलने वाला टूल्स है उससे भी हम सेंटर में इसे होल बना सकते हैं। होल को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। बचे हुए आलूओं को आप सब्जी में फ्राई कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे आलू कट हो गए हैं। देखिए, इसमें हमने हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया है। हाफ बॉईल करना है, थोड़ा ये कड़ा रहेगा। आइए हम बनाते हैं अपने सत्तू स्टफ्ड आलू टिक्का की चटनी। मैं इसमें लहसुन ले रही हूँ, 8 से 10 कलियाँ हैं और पुदीने की पत्ती है, 4 हरी मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया। मैं डाल रही हूँ जीरा है और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। और इसमें जब मैं इसे पीस लूँगी उसके बाद मैं इसमें दही मिलाऊँगी, तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। मैं दही मिला रही हूँ, बहुत खट्टी दही नहीं, मीठी दही ही चाहिए हमको इसमें। और दही मिलाने के बाद बहुत कम पीसना चाहिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए, हम इसका स्टफ कर रहे हैं। ये सत्तू का मसाला है, इसमें मैंने बहुत अच्छे से उसको स्टफ करना है।
बहुत हल्के हाथों से इसको दबाते हुए करेंगे। या आप बेक भी कर सकते हैं, मैं इसे फ्राई पैन पे फ्राई कर रही हूँ, सेलो फ्राई होगा ये बहुत ही कम तेल पे। चलिए हम इसे फ्राई करते हैं बहुत ही कम ऑयल में। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर भी डालूंगी और इसे हम पलट के सेक लेंगे। यस वेरी गुड। ये सत्तू स्टफ्ड टिक्का जो है बहुत 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 टेस्टी है। वैसे भी मुझे पोटैटो बहुत पसंद है, तो इसमें जो नॉर्मल जो स्टफ्ड जो आइटम होते हैं वो उसमें ये एकदम डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि एक जायकेदार इसका टेस्ट आ रहा है। तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं और बहुत कम ऑयल फ्री एक तरीके से लगभग, तो इसलिए ये परफेक्ट। वेल दैट वॉज एन अमेजिंग रेसिपी एंड थैंक यू पापा फॉर द रिव्यू। आई होप यू आर लाइक दैट। टू गिव इट अ ट्राई एंड टैग अस। ऑल्सो वी वुड लव टू हियर योर फीडबैक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर डाउन बिलो। थैंक यू।